निश्चिंत रहे, उस क्षति की भरपाई मैं और मेरी सेना जल के भीतर से सेतु के निर्माण में सहयोग देकर करेंगे। तो फिर इस कार्य को पूर्ण करने का उद्यम प्रारंभ करो। जी वानर श्रेष्ठ। तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दिया है। मायावी राक्षस, अब मैं तुम्हें तुम्हारा बचाव नहीं करने दूंगा। आश्चर्य है, आपने ठीक कहा था। वो भस्मन ओचन तो प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए वहां से लौटा है, और उसकी अवस्था देखकर तो लगता है कि वो प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए ही अपने प्राण त्याग देगा। अपना वचन निभाने के लिए तैयार हो जाओ रावण, तुम देखते रह जाओगे और सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। यदि सत्य में उन वानरों ने उस सागर पर सेतु बना लिया तो रावण स्वयं ही उस सीता को ले जाकर उस नर को सौंप देगा। अब माता सीता को सौंपने और प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने के लिए तैयार हो जाओ रावण। बिखर जाने वाली शिलाएं पुनः आपस में जुड़ रही हैं। दुष्ट राक्षसों का कर अंता, सेतु काज पुनः आरंभा। श्रम महभागी भये जलचारी, पवन तनय उत्साहित भारी। जो जो दिवस बीतते जाए कोसों कोस बढ़ी से तू जाए। काज निकट होने संपन्ना, देखी भये रघुवीर प्रसन्ना। प्रभु के आदेशानुसार मेरु पर्वत का उपयोग सेतु निर्माण में तो न हो सका, किंतु इस पर्वत को तो मैं अवश्य ही ले जा सकता हूँ। ये पर्वत उचित है, इसे ले जाऊंगा
तो शिलाओं की पूर्ति हो जाएगी। क्या हो रहा है? इस पर्वत की मिट्टी ने स्तंभित कर दिया है मुझे। ये कैसी माया है? ये माया नहीं है वानर, ये तो गोवर्धन पर्वत की शक्ति है। मुझ गोवर्धन की अनुमति के बिना कोई यहाँ से एक छोटा सा पत्थर भी लेकर नहीं जा सकता, और तुम मुझे ही यहाँ से उखाड़ने का दुस्साहस कर रहे हो। क्षमा करें पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन, मैंने समस्त वनों एवं पर्वतों को ले जाने के लिए वन देवी से अनुमति ले ली थी, अन्यथा मैं आपसे अनुमति प्राप्त करने के लिए अवश्य ही आग्रह करता। किंतु जब आपको ज्ञात होगा कि मैं किस प्रयोजन से और कहां आपको ले जा रहा था, तब आप सहर्षि मुझे स्वयं को ले जाने की अनुमति दे देंगे। ना तो मुझे यहां से कहीं जाना है, और ना ही यहां से मेरी अनुमति के बिना कोई मुझे कहीं ले जा सकता है। क्या? पर्वत श्रेष्ठ, मैं चाहूं तो अभी आपके स्तंभन को भंग करके आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध यहां से लेकर जा सकता हूं। किंतु ये प्रभु की सिखाई हुई मर्यादा एवं नीति के विरुद्ध होगा। मैं आपसे विनती कर रहा हूं पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन, मैं आपको किसी साधारण कार्य के लिए नहीं, अपितु प्रभु श्री राम के कार्य में सहायक होने के लिए ले जाना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम के कार्य के लिए? हाँ हाँ, प्रभु श्री राम मेरे आराध्य हैं, और मैं उनका सेवक हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम के लिए बनाए जा रहे सेतु का एक भाग आप भी होंगे। देखो वानर, यदि तुम मुझसे कोई छल या परिहास कर रहे हो तो मैं इसके लिए तुम्हें कठोर दंड भी दे सकता हूँ। मैं आपसे परिहास नहीं कर रहा हूँ पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन, प्रभु श्री राम की भार्या का रावण ने छल से हरण कर लिया है, अतः प्रभु श्री राम वानर राज सुग्रीव और उनकी सेना के साथ मिलकर विशाल सागर पर लंका तक जाने हेतु सेतु का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए पर्वतों और शिलाओं की उन्हें आवश्यकता है। यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रभु के कार्य को संपन्न करने के लिए मैं कोई भी वचन देने को प्रस्तुत हूं पर्वत श्रेष्ठ। प्रभु श्री राम के दर्शन और उनका स्पर्श मोक्षदायी है, मुझे वचन दो हनुमान कि तुम मुझे प्रभु के कर कमलों का स्पर्श सुख दिलवाओगे। आपकी श्रद्धा और भक्ति स्वयं ही आपको प्रभु के दर्शनों के अधिकारी बनाती है पर्वत श्रेष्ठ। फिर भी मैं आपको वचन देता हूं कि प्रभु स्वयं आपका स्पर्श करेंगे पर्वतराज गोवर्धन, तत्पश्चात ही आपको सेतु का भाग बनाया जाएगा। चलिए चलिए प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान, चलिए।
जय श्री राम। जय श्री राम। आशा है कि आज सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, सेतु का कार्य पूर्ण हो गया। सेतु पूर्ण रूप से बन चुका है। श्री रामचंद्र की जय। 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 मेरे वानर वीरों, सेतु बंधन का कार्य पूर्ण होने पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। परंतु इस आनंद उत्सव को मनाने से पूर्व और शिलाएं लाने वाले अपने सभी साथियों को हमें सूचित करना होगा कि हमें और पर्वत शिलाओं की आवश्यकता नहीं है। वो जहां हैं उन शिलाओं को वहीं छोड़कर शीघ्र ही समुद्र तट के पास पहुंचे। मेरा ये आदेश सब तक पहुंचाया जाए। अवश्य प्रभु, आपका यह आदेश संकेत द्वारा मैं शीघ्र ही सभी तक पहुंचाता हूं। मित्रों, तितलियां छोड़ो। ये रंग बिरंगी तितलियां अर्थात सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये क्या कर रहे हो हनुमान? सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः अब आपको वहां तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात तुम मुझे प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श का सुख नहीं दिलवाओगे, उनके कार्य में मुझे सहायक नहीं बनाओगे, जबकि तुमने इसके लिए मुझे वचन दिया है। हनुमान, अब प्रभु के इतने निकट लाकर तुम मुझे प्रभु के दर्शन से वंचित नहीं कर सकते। हनुमान, किंतु पर्वत श्रेष्ठ, ये उड़ती हुई तितलियां इस बात का संकेत हैं कि सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब मैं ही नहीं और जो भी अन्य वानर हैं, उन सबको प्रभु के आदेश के अनुसार पर्वत और शिलाएं आदि छोड़कर शीघ्र ही समुद्र तट पर पहुंचना अति आवश्यक है। मैं प्रभु के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। पर्वत श्रेष्ठ, क्या तुम अपने वचन का पालन नहीं करोगे? तुम्हारी नीति, तुम्हारी मर्यादा का क्या होगा? हाँ, वचन की मर्यादा तो निभानी ही होगी मुझे। मैं प्रभु से विनती करूंगा, वो मेरी विनती अवश्य पूर्ण करेंगे। पर्वत श्रेष्ठ, आपको भविष्य में प्रभु का स्पर्श अवश्य प्राप्त होगा। पर्वत श्रेष्ठ, किंतु इस समय मुझे प्रभु के आदेश का पालन करना है। पर्वत श्रेष्ठ, अतः आप मुझे इस पवित्र ब्रज भूमि पर आपको स्थापित करने दीजिए। यदि अब भी आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो मैं सूर्य, धरती, आकाश सबको साक्षी मानकर शपथ लेने के लिए भी प्रस्तुत हूं। प्रतीत हो रहा है आपको अब भी मुझ वानर के वचन पर विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है हनुमान, तुम राम भक्त हो, तुम प्रभु श्री राम के सेवक हो, इतना ही पर्याप्त है मेरे विश्वास के लिए। कदाचित मेरे भाग्य में कुछ समय की प्रतीक्षा और लिखी है प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए।
मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद पर्वत श्रेष्ठ। धन्यवाद के पात्र तो तुम हो हनुमान, भले ही भविष्य में हो किंतु तुम्हारे कारण मुझे प्रभु के कर कमलों का स्पर्श सुख तो प्राप्त होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए पर्वत श्रेष्ठ। प्रणाम। जय श्री राम। सेतु, प्रभु के लिए सेतु। बहुत ही अद्भुत है ये, कदाचित संसार में ऐसा पहले ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। वानर वीरों, तुम सबने जो ये मिलकर किया है ये संसार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रणाम प्रभु। इतना अधिक विलंब कैसे हुआ तुम्हें हनुमान? प्रभु, मैं सेतु निर्माण के लिए गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहा था, तभी मुझे सेतु बंधन के पूर्ण होने का संकेत दिखाई दिया, अतः आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने गोवर्धन पर्वत को ब्रज भूमि पर ही स्थापित कर दिया। और फिर गोवर्धन पर्वत को मैंने, मुझे ज्ञात है हनुमान, तुम्हारे वचन की रक्षा होगी। तुम्हारा दिया हुआ वचन मेरे द्वारा दिए गए वचन के समान ही है। अब सेतु बंधन का कार्य तो संपन्न हो चुका है हनुमान, परंतु आने वाले द्वापर युग में जब मेरा अगला अवतार होगा तो मैं स्वयं गोवर्धन के पास जाऊंगा और तब पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन मेरे स्पर्श का सुख प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, मैं उन्हें अपनी उंगली पर भी धारण करूंगा और तब मैं स्वयं गोवर्धन के नाम से भी जाना जाऊंगा, नाम से भी जाना जाऊंगा, नाम से भी जाना जाऊंगा। उस दिन से गोवर्धन को, उसके एक एक पत्थर को मेरा स्वरूप मानकर संसार में पूजा जाएगा। प्रभु, आपने तो अपने भक्त के वचन का मान रखने के लिए उससे भी बड़ा वचन दे डाला। प्रभु आप महान हैं, आप महान हैं प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, अब ये सेतु आपके चरण कमलों के स्पर्श के लिए प्रस्तुत है। महाबली ऋक्ष वीरों, अनुपम है आपकी विशाल सेना जो मैंने भी प्रथम बार देखी। मैं रघुनंदन राम आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके प्रचंड प्रयास के कारण वो असंभव कार्य संभव कर दिया जो कदाचित देवता भी ना कर सके। मेरे लिए किए गए इस अनुपम कार्य के लिए मैं सदैव आपका आभारी हूं। और इस कार्य में आपके साथ कोई और भी है जिसने अपने पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार आपका सहयोग किया। ये प्रिय गिलहरियां देखने में भले ही छोटी हैं, परंतु इनका प्रयास बड़ा है, अतुलनीय है इनका श्रम। मैं सदैव इनका कृतज्ञ रहूंगा। ये इन गिलहरियों के अथक श्रम और अतुल्य योगदान का प्रतीक चिन्ह है जिसके द्वारा संसार में
ये इन महान कार्य के लिए सदैव स्मरण की जाएंगी। हनुमान, समय आ गया है अपनी विशाल वानर सेना और ऋक्ष सेना को लंका पर कूच करने के लिए सज्जित करने का। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे कंधे पर आरूढ़ होकर मेरी शोभा बढ़ाइए। हाँ लक्ष्मण जी, आप भी मुझे सेवा का अवसर दीजिए। या लंकेश, भारतवर्ष से लंका तक सेतु बना डाला उन वानरों ने जिन्हें तुम तुच्छ समझते थे। अब वो वानर सेना तुम्हारी लंका तक आ गई है। अब तुम भी अपना वचन निभाओ। वचन? कैसा वचन सूर्यदेव? मैंने वचन दिया था। हाँ, माता सीता को सौंपने और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगने का वचन। नहीं, मैंने कोई वचन नहीं दिया था। तुम्हारी संस्कृति में तो वचन की मर्यादा का कोई मोल ही नहीं।
ठीक है, किंतु अब जब वानरों की इतनी विशाल सेना तुम्हारी इस लंका में प्रवेश कर रही है, जिसे तुम देवताओं से भी अभेद्य समझते थे, अब तुम क्या करोगे रावण? प्रभु, उस दुष्ट रावण की लंका अब आपके सम्मुख है। आप आदेश दीजिए कि करना क्या है। रावण के दोनों दूत शुक और शारण को मेरे सामने उपस्थित करो। सूर्यदेव, ये सेना नहीं मात्र भीड़ है, ये बुद्धहीन वानरों और मूर्ख भालुओं का समूह है। ये सब लंका तक आ तो गए, किंतु अब लंकेश इन्हें और आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं देगा। एक अवसर दे रहा हूं मैं राक्षस राज रावण को। जाओ और बताओ रावण को राम की सेना और सामर्थ्य के बारे में। जो कुछ भी तुमने देखा उसे विस्तार से बताओ रावण को, और कहना हम युद्ध नहीं चाहते। यदि अभी भी रावण पूर्ण सम्मान के साथ देवी सीता को लौटा दे और अपने कृत्य के लिए क्षमा मांग ले, तो मैं युद्ध किए बिना ही लौट जाऊंगा। अब इन्हें बिना युद्ध किए यहां से रावण जाने भी नहीं देगा। इन सब के शीश काट कर बलि चढ़ाएगा ये रावण अपनी लंका की धरती पर। यदि उसने देवी सीता के साथ आत्मसमर्पण नहीं किया, तो इसी लंका की धरती पर रावण का शीश गिरा देगा मेरा बाण। राम लंकेश, आओ आओ मेरे प्रिय गुप्तचरों, अब भी मुझे देने के लिए कोई गुप्त समाचार है तुम्हारे पास मूर्खों? उन्हें तुमसे पूर्व ही अपनी उस वानर टोली को लेकर यहाँ धमका है। लंकेश, वो कोई साधारण नर नहीं है। निश्चित ही दिव्यात्मा है वो। दिव्यात्मा ही नहीं, मैं तो कहूँगा परमात्मा ही है। मेरे क्रोध को जागृत मत करो, शत्रु का गुणगान कर रहे हो मेरे समक्ष, वो भी असफल होकर लौटने के बाद। सम्मोहित करने गए अवश्य थे, परंतु प्रतीत होता है स्वयं उसके सम्मोहन से वशीभूत हो गए हो तुम दोनों। हाँ लंकेश, हमने अपनी राक्षसी माया से वानरराज सुग्रीव को सम्मोहित किया था, किंतु पकड़े गए। किंतु उन महान नर श्री राम ने क्षमा कर हमें अपनी दया और दिव्य शक्ति से वशीभूत कर लिया, और अपनी अतुलित भक्ति से उस वानर ने प्रभावित कर हमें सम्मोहित कर लिया। लंकेश, दुष्टो, 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 उस नारा वानर की प्रशंसा सुना रहे हो मुझे? रुको, अभी मृत्यु दंड देता हूं तुम्हें। हम तो आपके दूत है महाराज, हमें क्यों मार रहे हैं महाराज? बस, अब एक और शब्द भी नहीं बोलने दूंगा तुम्हें। शत्रु का गुणगान करने वाले तुम्हारे मुख को सदा के लिए शांत कर दूंगा। अरे बचो बचो, हम तो मात्र दूत है महाराज, हाँ महाराज, क्यों मारते हैं? बचो शुक, बचो, हमें मत मारिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। लंकेश, लंका और अपनी भलाई चाहते हैं तो सौंप दीजिए माता सीता प्रभु श्री राम को, और प्रभु श्री राम की शरण स्वीकार कीजिए। शीघ्रता से प्रस्थान कर जाओ यहाँ से शुक, अब यहाँ कोई सुरक्षा नहीं। प्रभु, प्रणाम प्रभु। क्षमा प्रभु, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु,
कोटिल और दुष्ट लंकेश का हृदय परिवर्तन नहीं कर सके हम, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रणाम पिताश्री। शान, श्री राम कोई साधारण नर नहीं है, उनकी अपार शक्ति और पराक्रम को देखने का प्रयत्न करो। आप धन्य हैं प्रभु, मुझे श्राप से मुक्त कर दिया आपने। प्रभु की भक्ति में लीन होकर शरण में जाने तक उस राक्षस का सेवक बनने का श्राप था मुझ पर, और आज आपकी शरण में आकर मैं श्राप मुक्त हो गया हूं। अब मैं ऋषि शुक अपने गुरु ऋषि अगस्त्य का सानिध्य पा सकूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने नेत्र खोलो और देखो रावण, कैसे प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि से शुक श्राप मुक्त होकर पुनः ऋषि बन गए। मैं तुम्हें पुनः चेता रहा हूं रावण, नर नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। और जिनका हरण करके तुम लाए हो वो और कोई नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी। और जिन प्रतापी वानर ने लंका को अग्नि में झोंका है वो राम दूत और कोई नहीं अपितु तुम्हारे आराध्य महादेव शिव के अंश। संसार के सबसे बड़े ज्ञानी कहलाते हो, तो अपने ज्ञान का सदुपयोग कर। यदि युद्ध हुआ तो इसकी परिणति अति भयंकर होगी, ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा कोई अपना। ना तुम बचोगे, तुम बचोगे, तुम बचोगे, और ना ही तुम, ना ही कोई, ना ही कोई अपना। युद्ध हो तो हो जाने दो, से सर्वनाश हो तो उसे भी हो जाने दो, मेरे अपने ही नहीं समस्त संसार भी मेरे विरुद्ध हो जाए, तब भी तो शानन रावण नहीं झुकने वाला, कदापि नहीं लौटाऊंगा मैं सीता को, कभी नहीं झुकूंगा वनवासी नर के सामने, नहीं झुकूंगा। यही वो नगरी है जिसने मेरी सीता को मुझसे दूर रखा। सीता की एक झलक भी पा लेता तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाती। माता, आपका अंदेशा सही था, प्रभु श्री राम अपनी सेना को लेकर यहाँ पहुँच गए हैं और अपनी सेना के साथ सुवेल पर्वत पर स्थित हैं। कहाँ है सुवेल पर्वत, बताइए ना मुझे, त्रिजटा किस दिशा में है जहाँ मेरे नाथ मेरे स्वामी स्थित है, बताइए मुझे त्रिजटा। मर्यादा भंग कर बिना रावण को युद्ध में परास्त किए प्रभु श्री राम माता जानकी से कदापि भेंट नहीं करेंगे।
अन्यथा मैं उन्हें अभी माता के निकट ले जाता। परंतु माता के लघु दर्शन तो प्रभु को अवश्य करवा सकता हूं मैं। प्रभु, माता सीता वहां अशोक वाटिका में बैठी हैं। कौन सी दिशा में है त्रिजटा, बताइए ना मुझे। राम सिया दो लंका माई, नैन बिकल दर्शन अकुलाई। तो मनो दशा हनुमत जाने, मर्यादा पर किस विध त्यागे। राम सिया राम जय हनुमान। कैसे बिनु लंकेश संहारे, मिल आए रघुवीर प्रिया से। नैनन सुने हृदय द्रविता, राम दशा पर कपीश व्यथिता। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 प्रभु, ये स्वर उस दिशा से लंका के राज प्रासाद से आया है। माता सीता का हरण कर प्रभु श्री राम को असहनीय पीड़ा देने वाला ये दुष्ट रावण भोग विलास में लिप्त रहे, ये सर्वथा अनुचित है। मैं इसे अभी दंडित करूंगा, अभी। रावण, हमारे महाराज दुष्ट रावण को दंडित करने स्वयं चले गए। महाराज की वीरता अदम्य है। हाँ, दुष्ट रावण हमारे महाराज के प्रहार को सह नहीं पाएगा। रावण, ये मेरा प्रथम प्रहार था। सुनो, तुम्हारे आनंद मनाने के दिन समाप्त हुए। मेरे ही राज प्रासाद में आकर मुझ पर प्रहार करने का दोस्साहस कैसे किया तुमने तुच्छ वानर? अभी बताता हूँ असुर, कैसे। महाराज सुग्रीव तो रावण से भिड़ गए। दुष्ट रावण अब बच नहीं पाएगा। हाँ,
रावण कहीं भ्राता सुग्रीव को क्षति न पहुंचा दे। अब रावण की मायावी शक्तियों का सामना करो। हनुमान समय आ गया है, प्रस्थान करो।